अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवैस भाई, ये मेरे को जो ख्वाब पड़ा था, मतलब मैं नियत करके सोई थी इस्तखारा की, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो कासिम साहब है, एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते, एक गड़ा जैसा बोल सकते, समझे, एक बावड़ी जैसी रहती ना, खुदा हुआ है चारों तरफ से पूरा, और बहुत डीप है, बहुत डीप है, और वो डीप के अंदर पूरा बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा बोलो, जिसमें आराम से आप देख सकते हैं आराम से। तो वो इतनी चौड़ान है और पूरा सुखा साफ सुथरा है बिल्कुल, गड़ा वो पौड़ी के जैसा खुदा हुआ है, और उसके अंदर एक चेयर है, वो चेयर के ऊपर ये कासिम साहब बैठे हुए हैं, और चारों तरफ से उस गड़े के अंदर ना आसमान से रोशनी आ रही, पूरी रोशनी आ रही उस गड़े के अंदर जिसमें आप भी बैठे हुए हैं, मतलब कासिम साहब अकेले बैठे हुए। तो मैं उनको देख रही हूँ, जगहों से, लोटों से, और लोटे जो रहते हैं ना, पानी के लोटे जो पानी पीते हैं हम रख के, बर्तन और जग जो रहते हैं, वो सब उन चीज़ों से भी उनको जो ना नहलाया जा रहा, और वो नहलाने वाला जो पानी है ना, वो पानी नहीं, कोई रोशनी है, वो रोशनी है उसमें भी भरे भरे, और वो सब उनके सर पे से उडेल दे रहे हैं, और आप जो है, यानी कासिम साहब जो है, इतने खुश हो रहे हैं, इतने मतलब खुश होके मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं जवाब अल्लाह से मांग रही थी कि आखिर ये जो अवैस भी जो कोशिश कर रही है अल्लाह ताला, क्या ये वाकई में मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इनसे मतलब मैं उम्मीद कर सकती हूँ, क्या ये वही शख्सियत है? तो ये ख्वाब मेरे को आया, अब अल्लाह आलम मैं क्या बोलूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ आपको बोलूँगी बोल के, ये आके भी मेरे को 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँ ये ख्वाब आपके पास। तो देखिए, ये था वो ख्वाब जो मैं आपको बोलना चाह रही थी।